नगर पालिका निगम भिलाई की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क देखा गया है। आप इस खबर को देखिए और खुद फैसला कीजिए कि काम कितना हो रहा है और टोल कितना पीटा जा रहा है। इस पूरी खबर को देखने और समझने के लिए पहले आप देखिए नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी अजय शुक्ला क्या बता रहे हैं। अभी बारिश का समय चल रहा है और हमारे यहाँ चल रहा है जो भी आवारा पशु जो है रोड के ऊपर बैठे मिल जाते हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना होती है और जानवर कभी उठ के भागने लगते हैं। तो सभी जितने भी पशु मालिक हैं उनको सख्त निर्देश है कि अगर वो जानवर को अपने नहीं बांधेंगे तो एक बार हम पकड़ेंगे, दूसरी बार पकड़ेंगे, तीसरी बार सीधे पशु मालिक के ऊपर FIR दर्ज होगा और उनको जेल जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गलती आपके जानवर की गलती नहीं है। दूध आप निकालते हो, सब चीज़ निकाल कर जानवर छोड़ देते हो और उस जानवर के कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है। तो सचेत हो जाइए, जो भी पशु पाल मालिक हैं अब उनको जेल जाना पड़ेगा अगर वो आवारा पशु को रोड में छोड़ेंगे। जो भी आवारा सांड हैं, आवारा मतलब जो बैल हैं, उनके लिए हमारे यहाँ DMART का बना हुआ है। DMART हमारा गोठान, वहाँ पर उनको डाल रहे हैं, उनके चारे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया भाई पशु मालिक के तरफ से कि वो आवारा हो गए, ये बताइए गाय का दूध भैंस का दूध तो आप निकाल लिए, तब तो जानवर आपका अपना था, अब जो है उसका जो सांड हो गया, जो बैल हो गया, उसको छोड़ दिया आवारा टाइप का, तो भैया ये भी तो आपको पकड़ना है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हो, दूध चला रहे हो, तो आपको दोनों जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बहरहाल जहाँ तक हमारे पास समाचार है कि हम लोग जो है DMART के पास हमारा गोठान है, वहाँ पर बैल और सांड, बैल सांड जो भी इस तरह से हैं जो मेल हैं उनको ला करके हम लोग वहाँ पर छोड़ रहे हैं, उनके खाने पाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आपने सुना, भिलाई नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी एक अभियान के बारे में बता रहे हैं, जिसके तहत भिलाई शहर के मुख्य और आंतरिक सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़कर निगम भिलाई के गौठान में रखा जा रहा है। और तो और, वे पशु मालिक जिनके पशु रोड पर आवारा घूमते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए FIR करने की बात कर रहे हैं। परंतु दूसरी तरफ आप जो वीडियो देख पा रहे हैं, यह सब बताता है कि स्थिति ठीक इसके उलट है, क्योंकि आज भी भिलाई निगम क्षेत्र में निवास करने वाले लोग सड़कों पर चलते हुए दुर्घटना का शिकार सिर्फ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन सड़कों पर आवारा मवेशियों का कब्जा है और रही सही कसर आवारा कुत्ते पूरा कर देते हैं। इन दोनों को ही सड़क से हटा पाने में निगम भिलाई का अमला हमेशा फेल होता नजर आया है। बस एक टीम निकलती है, चार मवेशी को किसी तरह से पकड़ लिया जाता है और खाना पूर्ति करके बड़ी बड़ी बातें की जाती है और इसका खामियाजा निगम क्षेत्र में रहने वाले आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। कभी किसी के हाथ पैर टूटते हैं तो किसी का सर फट जाता है और तो और, रात के समय तो इन सड़कों पर चलना स्वयं अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। तो आप भी सोच समझ कर निगम भिलाई की सड़कों पर वाहन लेकर निकलें और सावधानी से वाहन चलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़।